पैसे कमाने की चाह में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में लगातार जाते रहता है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी इच्छा और काबिलियत के आधार पर पैसा नहीं मिल पाता, जिसमें से अधिकतर लोग पैसा कमाने के लिए अपने घर परिवार से बहुत दूर रहने लगते हैं, फिर भी उन्हें अपना मेहनताना पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। इसी क्रम में आज हम इस वीडियो के माध्यम से धन अर्जित करने के कुछ आसान उपायों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी मेहनताना के अनुसार धन अर्जित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि धन अर्जित करने के लिए कौन से उपाय हैं। इसमें सबसे पहला उपाय है भगवान शिव की पूजा। सोमवार को विधि विधान के साथ आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और चंद्रदेव को कच्चे दूध से अर्घ देना चाहिए। इसमें दूसरा उपाय है माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें। सोमवार या शनिवार के दिन दो मुट्ठी गेहूं में दो दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। इस मिश्रण को सामान्य आटे में मिलाकर रोटियां बनाकर आपको खानी है। हर शुक्रवार को स्नान ध्यान कर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। घर में मौजूद सोने के गहने को केसर का तिलक लगाकर पूजा करें। इसके अलावा आपको कनक धारा स्त्रोत का भी पाठ करना है। इसमें तीसरा उपाय है ग्रह दोष दूर करने के उपाय अपनाएं। यदि आपके जीवन में किसी कारण से ग्रहों की दिशा ठीक नहीं चल रही है तो भी धन अर्जित करने में आपको परेशानियां आ सकती हैं। ग्रहों की शांति के लिए आपको रोजाना स्नान ध्यान के बाद पीपल के पेड़ को जल अर्पित करना है। इसके अलावा आपको पीपल के पेड़ के नीचे दीपक भी जलाना है। इसमें अगला उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत करें। शुक्र ग्रह धन के प्रदाता हैं, इसलिए इसकी मजबूती के लिए आपको शुक्रवार के दिन कुछ उपाय अपनाने चाहिए। शुक्रवार के दिन मिट्टी के पात्र में लाल कपड़े में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। इसके ऊपर साबुत अनाज जैसे कि गेहूं या चावल रख दें। पात्र को घर के वाये कोण यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में रखें। इसके अलावा धन अर्जित करने के लिए कुछ अन्य उपाय भी बताए गए हैं, जैसे कि आपको घर की निरंतर सफाई रखनी चाहिए, धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए यानी कि आपको बेफिजूल के खर्चों से बचना चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको करना चाहिए, लेकिन आपको केवल इन उपायों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये न सोचें कि आप तुरंत अमीर बन सकते हैं। यदि आप इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्योतिषाचार्यों से संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट कर भी बता सकते हैं। धन्यवाद।